आपका नेक्स्ट टू नाइन न्यूज में हाजिर हूँ एक बार फिर से आप सभी के बीच इस स्पेशल प्रोग्राम को लेकर, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं बॉलीवुड में किस तरह से छाया हुआ है सलमान ऐश्वर्या का वो कदम जो काफी हैरान करने वाला है। जी हाँ, भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जाने के बाद पूरा देश शोक में डूबा रहा, पूरे देश में दुख का माहौल ऐसा छाया रहा जिससे अब भी लोग उभर नहीं पाए। लेकिन ऐसे मौके पर सलमान खान ऐश्वर्या राय बच्चन एक हुए हैं, ये है बड़ी बात। बॉलीवुड की यही एकता लोगों को अपनी तरफ खींचती है, बॉलीवुड की यही एकता लोगों को हमेशा से रेपुटेशन, उनकी इज्जत का ख्याल रखने के लिए मजबूर करती है। जी हाँ, जहाँ एक तरफ सलमान खान ट्रॉलिंग का शिकार हुए अटल को कई दिनों बाद श्रद्धांजलि देने को लेकर, ट्रिब्यूट देने को लेकर, तो दूसरी तरफ आज हम आपको ये सच्चाई बताएंगे कि सलमान खान जो कि ट्रिब्यूट देने को लेकर काफ़ी लॉन्ग टाइम से पीछे थे, उनकी वजह ये थी कि वो लगातार ही माल्टा में शूट कर रहे थे फिल्म भारत को लेकर, जिसकी वजह से वो लोगों से संपर्क में नहीं थे। हालांकि उन्हीं की तरह पेरिस में फोटोशूट्स करवाती ऐश्वर्या राय बच्चन भी इस दुख के घड़ी में शामिल नहीं रही लोगों के बीच दुख को प्रकट करने के लिए, लेकिन जैसे ही उन्हें मिला मौका उन्होंने दिया इंस्टाग्राम अकाउंट पर ट्रिब्यूट देकर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देकर सम्मान। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे श्रद्धांजलि को लेकर ही सलमान ऐश्वर्या एक दूजे के हुए हैं, एक दूजे के साथ हुए हैं, साथ मिलकर उन्होंने कदम सिर्फ इसके लिए ही नहीं उठाया है बल्कि केरला में आए बाढ़ पीड़ितों के लिए उठाया है। जी हाँ, देश भर में जिस तरह परेशानी खड़ी हुई है, सबसे ज़्यादा दुखद घड़ी केरला के लिए, जिस तरह तूफान बनकर बाढ़ आया और हर जगह को पूरी तरह से अफरा तफरी में धुल कर गया, पानी के बहाव ने, बाढ़ ने किस तरह हजारों लोगों को नुकसान पहुंचाया, इससे दुखी बॉलीवुड सितारों में अमिताभ बच्चन से लेकर तमाम एक्टर्स शामिल रहे, और इस लिस्ट में साउथ इंडियन एक्टर्स भी रहे जिनमें अब नाम ऐश्वर्या राय बच्चन के बाद सलमान खान का जुड़ा है। सलमान ऐश्वर्या दोनों ही केरला में आए बाढ़ पीड़ितों के लिए लोगों के बीच गुहार लगा रहे हैं कि उनकी मदद की जाए, तो वहीं सलमान खान खुश है ये देख कि लोग उनके लिए आगे आ रहे हैं। वेल, बीइंग ह्यूमन चैरिटी को हमेशा प्रमोट करने वाले सलमान खान लोगों के बीच हमेशा दरिया दिली माने गए, ऐसे में वो अब कौन सा नया कदम उठाएंगे ये जानने का सभी को इंतजार है, लेकिन जानते हैं किस तरह दोनों एक साथ नजर आए, देखिए खास रिपोर्ट। बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान यूं तो अपने फिल्मी अंदाज को लेकर हमेशा तारीफों में रहे हैं, लेकिन हाल ही में सबसे छुपकर जब वो कई दिनों तक नजर नहीं आए सोशल मीडिया पर एक्टिव, ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन की तरह सबसे छुपकर दोनों एक होते नजर आए। सलमान ऐश्वर्या किस मामले में एक हुए हैं सबसे छुपकर, इसी का जवाब हम आपको देंगे कि दोनों ने साथ में हाल ही में इस दुनिया को अलविदा कह गए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने में खुद के काफी ज्यादा पीछे रखा। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें केरला को लेकर भी सलमान ऐश्वर्या एक होते नजर आ रहे हैं। इंस्टाग्राम पर कुछ पोस्ट सामने आया है ऐश्वर्या का, तो वही सलमान खान का ट्विटर पर पोस्ट सामने आया है जिसमें उन्होंने लिखा है, स्टिल डीपली सैडन्ड बाय द कैलामिटी दैट हैज हिट केरला, माय हार्ट गोज आउट टू ऑल हु हैव सफर्ड लॉस एंड वेरी हैप्पी टू हियर ऑल द सोल्स हु हैव गॉन बैक टू हेल्प आउट द विक्टिम्स, ये सलमान का कहना है। तो वहीं ऐश्वर्या एक लगातार केरला के विक्टिम्स को लेकर सपोर्ट मांग रही है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि दोनों इस मामले में एक हो चुके हैं, सबसे छुपकर इंस्टाग्राम और ट्विटर के जरिए फैंस के बीच इस तरह की बातें कर। शॉकिंग बात तो ये भी है कि दोनों अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने में भले लेट हुए, लेकिन दोनों ने इंस्टाग्राम और ट्विटर यानी कि सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि दी है, जिन्हें दोनों एक साथ हुए हैं ये कहना गलत नहीं होगा। सलमान खान ने लिखा, ट्रूली अ सैड फीलिंग टू हैव लॉस्ट अ ग्रेट लीडर, नोबल्स पॉलिटिशियन, ऑरेटर एंड एन एक्सेप्शनल ह्यूमन बींग लाइक अटल जी, स्वच्छ भारत तो हम फिट तो इंडिया फिट, देन यू कैन डू वट एवर यू कैन डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदरलैंड,
ये कहना था सलमान खान का कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम के कैप्शन में, तो वहीं अटल को उन्होंने श्रद्धांजलि देने के बाद ये कहकर लोगों के बीच खुद को ट्रोलिंग का शिकार बनाया। हालांकि सलमान ऐश्वर्या एक ही तरह से इंस्टाग्राम और ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी बातें फैंस के बीच रखते नजर आए। वल ये तो हमने आपको बताया ही कि बॉलीवुड में जब भी बात सलमान ऐश्वर्या की होती है तो उनको लेकर कंपैरिजन किया जाता है कि अब तो सोशल मीडिया पर दोनों ही आ चुके हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर दोनों का काम किस तरह एक दूसरे से उन्हें मिलाता है। तो चलिए आज अब आपको बता दें, सलमान ऐश्वर्या ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ केरला में आए बाढ़ की वजह से पीड़ितों के लिए जिस तरह मदद की गुहार मांगी, मदद की भीख मांगी, उन्होंने अपने दुख को, अपने आंसुओं को छुपाया जो उनका दर्द बाहर आया सोशल मीडिया पर। लगातार ऐश्वर्या पोस्ट करती नजर आई तो दूसरी ही तरफ सलमान खान भी पोस्ट करते नजर आए। बता दें आपको, विदेश में दोनों का ये काम एक दूसरे के लिए, उन दोनों का ये बर्ताव सामने आया है। दोनों ही पब्लिक फिगर होने के साथ साथ सोशल एक्टिविटिस्ट के तौर पर भी नजर आए हैं। बता दें विदेश में दोनों के इस काम ने आखिरकार गुपचुप तरीके से एक दूसरे को एक किया है। बता दें आपको ये भी, सलमान ऐश्वर्या भले ही एक दूसरे के साथ नजर ना आते हों लेकिन दोनों का काम बॉलीवुड में हमेशा से पसंद किया गया है। दोनों की छवि बॉलीवुड में कैसे सेलेब्स के तौर पर रही है जिन्होंने बॉलीवुड को कई ऐसे नाम दिए जिसे हमेशा याद किया जाएगा। इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दें हम, सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन जो भले एक दूसरे से नजरें ना मिलाते हो लेकिन किसी जमाने में दोनों एक दूसरे की हुआ करते थे। बता दें आपको, तब सलमान ऐश्वर्या के प्यार का गुणगान हर किसी के जुबा पर था। जी हाँ, फिल्म हम दिल दे चुके सनम से लेकर हम तुम्हारे हैं सनम में एक दूसरे के साथ काम कर चुके हैं सलमान ऐश्वर्या। लेकिन संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम में दोनों की जोड़ी ऐसी सुपरहिट जोड़ी बनी थी कि दोनों की जोड़ी को आज भी बॉलीवुड में पसंद किया जाता है। खुद श्रीलंकन ब्यूटी यानी कि किक से बॉलीवुड में सलमान खान के साथ धमाका करने वाली जैकलिन फर्नांडिस का कहना है कि आज भी बॉलीवुड में अगर जब भी फेवरेट जोड़ी की बात होती है तो उनके सहन पर नाम सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन का आता है। फिल्म हम दिल दे चुके सन में दोनों के रोमांस को देख ऐसा लगा था मानो दोनों ही एक दूसरे के लिए ही बने हो। बता दें आपको, फिल्म में एक गाना भी है ढोल बाजे। इस गाने में सलमान खान ऐश्वर्या से प्यार का इजहार भी करते हैं। हाल ही में लवरात्रि फिल्म के ट्रेलर लॉन्च को होस्ट करते हुए सलमान खान ने इस बात को स्वीकारा था कि हम दिल दे चुके सनम के इस फिल्म के गाने में ढोल बाजे गाना को वो कभी भूल नहीं पाते। वो सीन वो हमेशा याद करते हैं जिसमें वो ऐश्वर्या के साथ आखिरी बार जमकर डांस करते नजर आए थे। तो ये था आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम बॉलीवुड रियलिटी, बॉलीवुड के स्टार्स को लेकर। और अब वक्त आ गया है इसी के साथ आज इस प्रोग्राम बॉलीवुड रियलिटी का इसी रिपोर्ट के साथ अध्ययन करने का। तो हमने आपको बताया सलमान खान माल्टा में शूट के दौरान काफी व्यस्त नजर आए। कुछ वीडियोस भी सामने आई हैं जिसमें सलमान शूटिंग के बीच अली अब्बास जफर, अतुल अग्निहोत्री, कटरीना कैफ, दिशा पाटनी और नोरा फतेही के बीच नजर आए। हालांकि वो तस्वीरें सामने नहीं आई है, सभी व्यस्त है शूटिंग के बीच। और इसी बीच जैसे ही पता चला सलमान को अटल के बारे में, केरला के बारे में, देश छोड़ विदेश में अपना काम संभाल रहे सलमान फिल्मी सफर के बीच ट्वीट के जरिए लोगों के बीच अपना दुख प्रकट करते नजर आए। श्रद्धांजलि देकर अटल को उन्होंने ऐश्वर्या के पीछे उन्हीं के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से कहा जा सकता है दोनों एक हुए। वहीं आपको बता दें हम, ऐश्वर्या लगातार ही केरला में बाढ़ पीड़ितों को लेकर अपना गुहार लगा रही है। एकाएक कई पोस्ट वो अब तक शेयर कर चुकी है। अगर आप देख पाएंगे उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को तो आप वहां लॉग इन कर देख सकते हैं। ऐश्वर्या ने कई पोस्ट किए हैं और उनके दुख को लेकर हाथ जोड़कर विनती की है लोगों से मदद करने की। मिस वर्ल्ड रह चुकी ऐश्वर्या राय बच्चन का ये कदम वाकई में तारीफ के काबिल तो है। और देखना ये होगा अब कि उनके मिलियन मिलियन फॉलोअर्स किस तरह उनकी बातों को समझे और अपनी छोटी मदद से हजारों लोगों को
थोड़ी देर के लिए सही लेके थोड़ी सांत्वना दे सकते हैं, सांत्वना दे सकते हैं और अपना दुख व्यक्त कर सकते हैं। खैर अब वक्त आ गया इसी के साथ आज इस प्रोग्राम बॉलीवुड रियलिटी का अब अंत करने का। तो दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाजत, अगली बार लौटेंगे फिर कुछ ऐसे ही स्पेशल रिपोर्ट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।